एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, रात गुल पता है कितना लेट आए, 1:30 बजे। पहली बार ऐसा हुआ कि गुल इतनी देर से घर आए, और मैं तब तक सोई नहीं थी, मैं फ़ोन चला रही। मंडे और डेट है 27, और आज मैं अपने बर्थडे की पार्टी देने वाली हूँ अपने दोस्तों को, क्योंकि टीन को मैं शादी में गई थी और मतलब वहाँ पर गए थे हम, और 18 के बाद फिर 23 तक तो हम बिज़ी थे क्योंकि शादी वगैरह थी। फिर हम कॉलेज एक दिन गए भी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जैसे कि मैं हमेशा अपना बर्थडे अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, तो इस बार भी ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट ना करूँ। अब मैं आज वो पार्टी देने वाली हूँ। मतलब जब से मुझे याद है ना, मैंने अपना बर्थडे दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेट किया है, बाहर हमेशा कहीं भी जाना या फिर कुछ भी। ये पहली बार है, मतलब पहली या दूसरी बार हो सकता है, बीच में भी एक आध बार हो सकता है मैं नहीं गई हूँ, बट ये शायद एक बात कि मैंने अपने बर्थडे दोस्तों के साथ सेलिब्रेट नहीं किया। बट कोई नहीं, आज करेंगे। तो अभी गुल नीचे गए हैं, वो रेडी हो रहे हैं, तो उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर चलेंगे। गाइस, फाइनली हम चल दिए घर से, और आज हम जा रहे हैं गाड़ी से। गाइस, आज हमने ऐसी प्लान किया कि आज चलो गाड़ी से चलते हैं। यार फोन बहुत हिल रहा है, और आज मेरी आंखें देखो कैसी हो रही हैं, क्योंकि रात में बहुत लेट सोई हूँ, क्योंकि बहुत लेट आया था, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया 1:30 बजे आया, फिर उसके बाद हम सोए, फिर हम उठ गए। वैसे तो हम 8 बजे उठे, बट फिर भी मुझे थकान भी फील हो रही है। सो अभी हम जाएंगे, और फिर मेरी अभी तो मेरी 12 तक क्लास है, गुल की 12-1 तक तो मेरी क्लास है, फिर गुल की तो बाद में भी है, बट आज हम करेंगे पार्टी। तुम्हारी तो लंच के बाद भी है ना, मेरी नहीं है ना। लंच के बाद हिंदी वाली मैडम की है। हाँ, तो लंच के बाद वाली क्लास है मैडम की, हिंदी वाली। हाँ, तो गाइस आज हम पार्टी करेंगे, तो देखते हैं हम कहाँ पे पार्टी करते हैं। वैसे तो इतनी बड़ी पार्टी तो नहीं है, छोटी सी है, बट चलो चलते हैं। पहुँच गए कॉलेज, और हम अंदर आ गए, हम कॉलेज के गेट तो उधर है। आज ये गुल गाड़ी अंदर ले आया। ये गुल का डिपार्टमेंट है देखो, और मेरा भी इसमें ही है ऊपर, हम दोनों का सेम है। We think like this. So we create a culture. My major is Buddhism. तो गाइज अब मैं जा रही हूँ 11 से 1 वाली क्लास में, क्योंकि मेरे 2 घंटे की क्लास एक मैम लेंगी, अब मैं वहाँ पे जा रही हूँ। तो गाइज अभी मेरी क्लासेस हो गई हैं ओवर, और अब हम जा रहे हैं पार्टी करने, और अभी सब आ गए हैं, और बस अब निकलने वाले हैं हम। तो मैं आपको दिखाऊंगी हम कौन कौन है। तो गाइज अब हम जा रहे हैं पार्टी करने। तो फाइनली अब हम चलते हैं सब, और 2 आएंगे पीछे से, हम बस गाड़ी में इतने ही आए हैं। लेट्स गो। अच्छा तो लिखवाना था ना, यहाँ पे लिखने का नहीं मिलता, और आपके क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पे मिला ही नहीं। तो सब है ना, रख दिन तक से दिखने चाहिए, जेब में दे दो। तो गाइस गुलशन जी जो इनके लिए केक लाए हैं। और ये मेरा है 1 के सब्सक्राइबर का केक, पर इसको लिखवाया नहीं, यहाँ पे मिलता नहीं, और मुझे तो केक भी लोग क्योंकि यहाँ पे लोग का नहीं, जो मिला नहीं। हाँ। मैं वैसे कह रही हूँ केक ये हमारे घर का तो बढ़िया ही है, वही इधर से घर का लाया। देखिए तू ये थोड़ी कह रही हूँ, मैं ऐसे कह रही हूँ लोग का नहीं, वही केक मेल्ट हो जाएगा। अच्छा मेल्ट हो गया, वो ये जो ये चीज लाया चॉकलेट, अच्छा जैसे केक के साथ कुछ मिलाता है, मैं बर्थडे पे चॉकलेट लाया, भी लाया इन्हें, ये खुद ही खाएगा, मुझे मिलने वाली है नहीं, क्योंकि मैं 2 चॉकलेट केक खा गया मेरे बर्थडे पे, मैंने फ्रिज में भी रख दी, पिघल गई, वो मैंने फिर कबाब में खाऊंगी, उसे भी खा गया, मुझे दिखा रहा था, फिर मुझे दी क्यों थी, खाती तो ना, मेरा क्या है, मैं थोड़ा वेट ऐसे बाद में खाऊंगी वो वाला, और इसे दिख रही तो खा ली, खा ही दे।
सो गाइस फाइनली मेरे हो गए हैं यूट्यूब पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट। ये केक है जो कि बुल्ले का है। मैंने सुबह से मैं खड़ा हो गए अंदर की बातें मत करो। मेरे उससे भी तो बड़ा है मैं थोड़ी सारी चीज़ें। ठीक है तो गाइस अब हम केक कट करेंगे। सब देखिए आओ भाई मेरे केक दिखा दे एक बार। कितनी जल्दी लग रही है आपको को? अच्छा नहीं है गाइस ये क्या प्रैंक हो गया। केक अच्छा नहीं है। अब सब खा लेंगे वो लव प्लेट। अरे ऐसे खा ले तो गाइस हम यहाँ पे खा रहे हैं और हम भूल गए थे ब्लॉग शूट करना। कोई बात नहीं इसका बिल दे दे चल। देख ले क्या कह रही है। अभी बोलूंगी गाइस मैं खाना इतना टेस्ट लगा बस अब क्या ही बताऊं। अभी वो आने वाला है। आ जाइए पर पैसे मत दियो खा के। पैसे ला मान लो। अब मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ हाँ का व्यू कैसा है। और वो बैग तो गाइस हम पिज्जा खा रहे हैं। आप देख रहे हो फाइनली हमने खा लिया। और देखो इसकी हालत ओए देखो इसने केक का क्या कर रखा कितना फैलाया फलूई मचाए। अभी खाने के बाद हम चल रहे हैं सब वापस। चलो चलो गाइस। तो गाइस अब हम आ गए हैं बस गांव के पास मतलब मंदिर। अब हमें जाना है पूरा मंदिर तो हमने ले लिए केले क्योंकि आज हम मंदिर जा रहे हैं तो वहां पे केले बांटेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। तो हम आ गए फाइनली मंदिर में और अब हम लेंगे प्रसाद। देखो गाइस यहाँ का गेट चेंज हो गया पहले दूसरा था अब दूसरा हो गया है ना काफ़ी बड़ा हो गया पहले से। अच्छा ट्रैक्टर ट्रॉली में जा रहे हैं वाह गाइस मेरा लग रहा है पकलो ने ले लो। ये क्या है इधर अरे ये तो चेंज हो गया ना ये पीछे से खाली था पहले ही था। ये पा गई है नहीं गेट कितने मंदिर में ऊपर जाने के लिए है ना इधर से भी जा सकते हैं उधर ही चलेंगे पर हम फ्रंट से बंद है अभी। चलो तो गाइस अब हम लेते हैं क्या नहीं मिलेगा कितने पैसे चल देख ले देख ये मंदिर कितना चेंज हो गया ना बढ़िया हो गया ना जब हम छोटे छोटे थे ना जब बोले 2-3 साल का होगा मैं भी जब आया था हम इसमें उधर से गया था और सिंपल मंदिर था मतलब बहुत सिंपल और आज देखो कितना चेंज हो गया। वैसे ये चेंज भी तो शादी के बाद ही हुआ है इतना नहीं अभी तो देखिए तू अभी तो कुछ नहीं लाओ मार के ने प्रसाद ले लिया अभी गुल जा रहे हैं चल लेने। इन्हें दे दो छोटा छोटा छोटो ले ले केला आपका।
बस प्रसाद रखो तुम अपने पास। तो हम आ गए हैं गाइस घर और मैं बहुत थक गई हूँ और बज गए 5 क्योंकि मेरा खाना बनाने का टाइम है। तो अब बनाऊंगी मैं खाना। मैंने सोचा 10 और 20 मिनट्स रेस्ट कर लेती उसके बाद खाना बनाऊंगी, चाय भी बनाऊंगी। तो अभी बज गए, फिर चलती हूँ मैं खाना बना रही। देखते हैं आज क्या बनाते हैं, लेट्स गो। गाइस बज गए हैं 8 और मेरा काम फाइनली ख़त्म और मैंने बनाया आलू गोभी। एंड अभी गुल नीचे हैं, वो ऊपर आएंगे फिर हम खाना खाएंगे, तब तक मैं रेस्ट कर रही हूँ। और आज मैं पता बहुत थक गई, मतलब एक तो रात ही नींद पूरी नहीं हुई बताया था, और आज दिन में भी पूरा दिन ऐसे ही चला गया, मुझे बहुत बहुत थकान हो रही है। सो गाइस आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। You said